भाई एक्सपायरी भी जरूर देख लेना माल की। ये लीजिए अभी 4 किलो मिठाई। नहीं नहीं 2 किलो भाई, ये नहीं 4 किलो थी। कैसे हो सकते 4 किलो, 2 किलो का डब्बा है भाई। भाई 4 किलो 2 किलो आदिल भाई, ये 2 किलो ये तो पक्का 2 किलो ही होगी। माफ कीजिएगा भाई, वो तरफ बच्चे की तबीयत खराब है, ये आप वहां पैसे दे दें, बड़ी मेहरबानी। देख रहे हैं अपने लाडले की लापरवाही। देख रहा हूँ, समझा दूंगा उसे, तू अपना काम कर। समझा चुके आप, आज तक तो आपने उसे कुछ नहीं कहा, अब क्या कहेंगे। आरिफ तुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये मेरा लकी बेटा है, ये सारी जायदाद, ये इतना बड़ा कारोबार, मकान, गाड़ियां, ये सब इसके पैदा होने के बाद मिली है मुझे। उससे पहले तो मैं ठेले पे गुलाब जामुन बेचा करता था। वाह बाजी, ये क्या बात हुई, दिन रात मेहनत मैं कर, मेरी मेहनत किसी गिनती में ना आए, उसके पैदा होने पर कारोबार बढ़ गया तो बैठे बैठे ऐश करें। देख तुझे मालूम है कि इसके नाम से मैंने जितना भी कारोबार किया है मुझे फायदा ही फायदा हुआ है, और किसी और के नाम से कारोबार किया तो मुझे नुकसान हुआ है। मैं इसे नाराज नहीं कर सकता, ये अपनी मर्जी से दुकान पर आता है और आए और जितना काम करता है करे, मैं इसे नहीं टोक सकता। तू अपना काम कर। अपनी बुजदिली की वजह से ना किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान करवा लो कि अपना, ये तुम्हारी लाइफ है, किसी को हक नहीं है तुम्हारे लिए डिसीजंस लेने का। अपनी लाइफ क्यों खराब कर रही हो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। मैं तुम्हारी जगह कहीं होती ना तो बताती मैं सबको एक सेकंड के अंदर। ये क्या उल्टी सीधी पटियां पढ़ा रही हो तुम उसको, तुमसे मतलब। देखो तुम इसकी बातों में मत आओ, ये जो भी तुम्हें पटियां पढ़ा रही है ना वो मत मान, क्योंकि खुद को तो ये मदर टेरेसा समझती है लेकिन असल में इसमें जरा बराबर भी अकल नहीं। जरा बराबर अकल हो या नहीं लेकिन तुम्हारी तरह वेली भी नहीं हो ना, इसने फैक्ट्री जाना होता है ना इसने कॉलेज जाना होता है, बस वेलों की तरह घर बिठा के बातें करवा लो। मुझे वेला मत बोलो समझी, वेला हूँ लेकिन तुम्हारी तरह का नहीं हूँ कि मदर टेरेसा बन के फिरता रहूं। और वैसे भी इतनी ज्यादा तकरीर करने से ना तुम्हारी इमेज डाउन हो जाएगी, मदर टेरेसा काम करने पर यकीन। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, चुप कर जाओ। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों की लड़ाई शुरू कब होती है और खत्म कब। अच्छा भला हंस खेल रहे थे अभी तुम दोनों, इसने मुझे पहले मदर टेरेसा बोला है। हाँ तो तुमने भी तो मुझे वेला बोला है, तो वेले को वेला ही बोलो। मेरे मुंह मत लगाओ, देखो मेरे मुंह तुम मत लगाओ। अलीसा अलीसा तुम्हारी दोस्त आई हुई है, कुछ खाने पीने का पूछा है इससे या इसी तरह लड़ाई कर रहे हो आपस में। मैं अभी लिख रही। तुम इधर ही बैठो अपने दोस्त के पास, मैं इस्लाम से कहती हूँ कुछ लेकर आए। इसको तो अपने साथ लेके जाए ना। अच्छा अच्छा इसको मैं अरे मोनी इतना ऐसा भागती हो, मैं जीत गई। अरे अरे क्या हो गया तुम दोनों को, अरे निम्मी क्या हो गया बेटा, इतनी बड़ी हो गई हो तुम, तुम्हारे अब्बा के आने का टाइम हो गया, और तमीज करो सर पे दुपट्टा लो। अम्मी जी थोड़ा सा तो मजाक करने दे, अभी जेलर साहब ने आ जाना है तो घर तो वैसे ही बन जाना है जेल। निम्मी तमीज से बात करो बेटा, बाप है वो तुम्हारे। यही तो मार खा गई निम्मी, कहां मैं हवाओं में फिजाओं में उड़ने की शौकीन, और मुझे मिला ऐसा सयान जिसने मेरे पर ही काट दिए और मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। तौबा तौबा लड़की, ते तो जुबान को लगाम नहीं है। दादी लगाम तो घोड़े की होती है, जबान तो नहीं। मैं छुप के जाऊँ, देखा तेरे से ज्यादा अकलमंद है। मोनी तुम्हें नहीं पता यहाँ के तो दस्तूरी निराले हैं, यहाँ तो इंसानों को भी लगाम डालते हैं। देखो निम्मी बेटा घर के काम काज में कोई दिलचस्पी लो, ये हर वक्त टीवी देखना, रिसाले, उछल कूद, जिस दिन तुम्हारे अब्बा को पता चल गया ना तुम्हारी बड़ी शामत आ जाएगी। अम्मी जी अब्बा जी कुछ नहीं कहते मुझे, एक लौती बेटी जो हूँ। ये सारे लाड प्यार बेटा सिर्फ माँ बाप की हद तक होते हैं, ससुराल में तो औरत का सलीका और तरीका ही देखा जाता है। अरे आप बेफिक्र रहें, अपने ससुराल जाके भी हुकूमत चलाऊंगी सब पर, ऐश करूंगी ऐश। चलो मोनिया की टीवी देखते हैं। अरे पगली मैं तुझे मना कर रही हूँ बेटा और तुम फिर वही काम कर रही हो, इस लड़की का क्या करूं मैं, सुनती नहीं मेरी। कुछ तो है तुम्हें,
मेरे दिलो दिमाग पे बस गई हो। ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हें हासिल करना है। मेरा दिल कहता है कि तुम सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। आप ही प्लीज चैनल चेंज करने दें, आखिरी दो ओवर्स चल रहे होंगे। सुधर जाओ तुम एली, तुम्हारे सारा दिन ओवर्स ही खत्म नहीं होते। मैं देखती कहाँ हूँ टीवी, हर वक्त तो तुम रिमोट को चिपकी रहती हो। और कुछ भी कर लो तुम आज, मैं तुम्हें रिमोट नहीं देने वाली। अगर एक अच्छी मूवी लग गई है तो मुझे देख लेने दो ना, दीवार में सर भी मार लोगी ना तब भी नहीं दूंगी रिमोट तुम्हें मैं आज। आपने आज नोमी भाई से बात नहीं की? करनी भी नहीं है मैंने। क्यों? आई एम श्योर वो आपका वेट कर रहे होंगे। कर ही ना ले वो मेरा वेट, सैकड़ों तो एक्टिविटीज है उनके पास, मेरे से बात हो ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो मत बोले, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ये तुमसे किसने कहा है? अंदाजा है मेरा, आप लोग इतनी देर देर बातें जो करते हैं। किसी से इतनी देर बात करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप मोहब्बत करते हैं उससे, वो रबिश। अच्छा आप तो करती है ना उनसे प्यार। अच्छा ज्यादा बकवास नहीं करो एली। अच्छा तो फिर एक बात बताए मुझे, दुलारी आंटी के लाए हुए रिश्तों को हमेशा आप क्यों मना करती हैं? क्योंकि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी, पढ़ना है मुझे आगे। और तुम किस हिसाब में मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से, मुझे टीवी देखने दो। उठो। तुम्हें क्या पता लीना, नमान मेरी नस नस में समाया, मगर मैं क्यों पहल करूं? ये बात तो उससे पहले कहनी चाहिए, पर कहता ही नहीं। क्या यार, एक छोटा सा काम कहा था मैंने तुझसे, वो भी नहीं हुआ। अरे भूलिया जानी, गुस्सा क्यों हो रहा है? जैसे ही पापा आएंगे मैं उनसे पूछ के दूंगा, बता दूंगा। और वैसे भी एक दो दफा मैं गया था उनके घर, आई थिंक गुलशन का कोई ब्लॉक था। अरे उल्लू की तुम, बाबा से पूछे गए सवाल क्या सोचेंगे वो? यार तुझे उसके एड्रेस से मतलब है या बाबा क्या सोचेंगे उससे मतलब है? और वैसे भी वो तो मेरा हेडेक है यार, तू छोड़ दे इन सब बातों को, एंजॉय कर, चिल कर। अच्छा अच्छा ठीक है, एक बात बता मुझे, उसका नाम अलीजा है ना? हाँ हाँ भाई, उसका नाम अलीजा है, अलीजा बिनते शब्बीर अहमद, शब्बीर अंकल की बेटी है वो, समझ गया? अब मत पूछना। तू जानता है उनको? हाँ हाँ जानता हूँ, मगर जो तू कर रहा है ना, मैं जानता हूँ तेरे अगर चंगेज खान जैसे बाप को पता लग गया, तेरी खाल उतार के उसी के जूते बना डालेंगे वो। भाई साहब ये मेरा मसला, मेरे अब्बा जी मेरी खाल उतार के जूते बनवा लेंगे, यतीम खाने में देंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई, मजनू ने भी तो पत्थर गाए थे लाला के लिए, और मैं भी गोली खाने को तैयार हूँ, मगर अब उसको हासिल करना मेरी जिंदगी का मकसद। अल्लाह रहम करे 20वीं सदी के मजनू की हालत पर। अलीना और सलोनिया भाभी सो रहे हैं दोनों। अच्छा भाभी, आज वो दुलारी आएगी, उसने कोई एक रिश्ता बताया है। आपने फिर बुला लिया उनको? प्लीज मैं। किसके रिश्ते की बात हो रही है जी? दादा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं तो बिल्कुल शादी के लिए रेडी नहीं हूं, क्लास दीजिएगा। तुम्हारे रिश्ते की बात नहीं हो रही है, वैसे भी हम अलीजा के रिश्ते की बात कर रहे हैं। हाँ तो एक ही बात है, मेरे कहने का मतलब है कि अलीजा भी शादी नहीं करना चाहती है, अभी मैं भी शादी नहीं करना चाहता हूँ। अलीजा का तो मेरा ख्याल है शादी का कोई इरादा भी नहीं है, क्यों अलीजा? बिल्कुल सही कह रहे हो, देखा आपने अबू जी, आपसे ज्यादा बेहतर तो मुझे सलमान जानता है। बेटा मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में ये फर्ज अदा कर लेने, और दुलारी जब भी कोई रिश्ता लेके आती है तुम उसे भगा देती हो। बहुत अच्छा करती हूँ, मुझे भी आगे पढ़ना है ना। बेटा इस साल ग्रेजुएशन हो जाएगी ना तुम्हारी? ग्रेजुएशन भी कोई पढ़ाई होती है आजकल के जमाने में? कम से कम मास्टर्स तो करना चाहिए ना। चाचा वैसे अलीजा बिल्कुल सही कह रही है, लड़की ने मास्टर्स ना किया तो क्या किया? और आजकल के दौर में तो शौहर पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीवी का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। चलो
मेरा शौहर कम से कम बहुत पढ़ा लिखा होगा, मैं किसी अनपढ़ से शादी नहीं करने वाली। ओके, तुम्हारे लिए हम बहुत पढ़ा लिखा ढूंढेंगे कोई, और तुम ससुराल जाके पढ़ लेना। ताई अम्मा इनको समझाए ना। अच्छा अच्छा बेटा, तुम नाश्ता करो, उसके बाद तुमने कॉलेज जाना है, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। जी बाजी, किधर रह गए हो तुम, मैं लेट हो रही हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। बाजी वो कोई फकीर आ गया था, उसको वो करा था। अच्छा जल्दी करो, मैं अब लेट हो रही हूँ। एक मिनट, वो गाड़ी को पानी डालना तो भूल गया। अच्छा जल्दी करो, मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी जाओ जल्दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों उसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं कौन सा गिद्दू बंदर आ गया? क्या काम है, किससे मिलना है? आपसे। मैं जानती भी नहीं हूँ तुम्हें, खाम खा पीछे पड़े जा रहे हो, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। शुक्र आपने मुझे मेहमान तो तस्लीम किया। तुम्हें वाकई गिद्दू बंदर जाना चाहिए, पूरे के पूरे पागल हो तुम। हाँ नहीं, हो गया जब से आपको देखा। अभी तुमने मुझे देखा ही कहाँ है? और शुक्र करो इस बात के लिए, वरना इस वक्त अपने पैरों पे नहीं खड़े होते। इस्लाम इस्लाम, निकालो इससे आके, दूसरा फकीर आ गया है। फिर मिलते हैं। कितने साल हो गए हैं तेरी शादी को, मगर कपड़े पहनने का सलीका तुझे ना आया। वो ही पुराने किसे पिटे कपड़े, क्या तेरे पास कपड़े नहीं है? जी है। तो पहनती क्यों नहीं है? सुबह जाऊं वही मनुष्य शक्ल, शाम को आऊं वही मनुष्य शक्ल, मुझे तो लगता है हफ्तों तक एक ही जोड़ा पहने रहती है। रोज बदलती हूं। पता नहीं कब बदलती है, मुझे तो ना शक्ल में तब्दीली नजर आती है ना लिबास में। दिल उकता गया है तुझे देख देख के इस तरह। ये कान खोलकर सुन ले, आइंदा मेरे सामने ये किसे पिटे कपड़े पहनकर ना आना। अगर नए कपड़े अलमारी में पड़े हैं तो उन्हें निकाल और इस्तेमाल में ला। अब अगर ये मनहूस शक्ल मेरी किस्मत में लिख दी गई है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जूस कौन लाएगा? आदिल बेटा, तुम्हें देख देख कर तुम्हारी छोटी बहन भी बिगड़ती जा रही है। हर वक्त टीवी, हर वक्त गाना, कोई बात है भला बेटा? नहीं, वो पहले कौन सी कम बिगड़ी हुई थी, बस अब्बा जी ने उसके कमरे में टीवी रख दिया तो वो देखे नहीं तो और क्या करे। आप उसे घर के काम करवाया करें, आप भी तो कुछ नहीं कहती उसको। इस घर में मेरे सुनता ही कौन है कब जो किसी से कुछ कहूं। मैं हूं, मुझे सुनाया करें, मगर इस तरह परेशान और इस तरह उदास मत हुआ करें ना भाई। उदासी तो शायद मेरी किस्मत में लिखी है बेटा। अम्मी जान, तकदीर के साथ तदबीर भी बहुत जरूरी होती है। आपने तो तकदीर के आगे अपने आप को इस तरह बेबस कर दिया। यही आपने अब्बा जी को पहले दिन लगामें डाली होती तो आज ये नहीं होता। तुम्हारा क्या ख्याल है, कुछ ना किया होगा? पहले दिन जब आवाज उठाई तो मैं क्या छोड़ा है और कहा जब तक शौहर के आगे जबान बंद रखनी ना सीख लो वापस नहीं आना। मां बाप थे नहीं, भाई और भाभी ने बहुत समझकर
वापस ला पाएगा। तुम्हारा कुछ कहना चाहो? आधी रात को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, ये सारी रात घर के बाहर खड़ी खौफ से कांपती रही। और उसके बाद मैंने अपनी जबान से मुझान, आप रो क्यों रही हैं? हर रात की एक सुबह जरूर होती है। आपकी जिंदगी के अंधेरे में वो सुबह जरूर आएगी। मैं हूं ना आपका ही बेटा, आपकी जिंदगी में वो हंसती मुस्कुराती सुबह जरूर लेके आए। बात है।